फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में कुछ खास तो नहीं, बस घर की थोड़ी सी रूटीन बताऊंगी, थोड़ी सी मस्तियाँ बताऊंगी और बस। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। उमे का मुंह देखे, उमे ने ये क्या किया है? उमे ये क्या किया है? उमे आंखें निकाल रही है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद ना भी आए तो फिर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी हेल्प हो जाएगी और लाजमी लाजमी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी टिप दे देती हूँ जो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, आप लोगों को कहीं भी अर्जेंट कहीं जाना पड़ जाए, किसी फंक्शन पे जाना पड़ जाए, आपके फेस पे दाने हों, तो आपने कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक मुल्तानी मिट्टी लेके आनी है, उसको कच्चे दूध में मिक्स करके अच्छा से उसका पेस्ट बना लेना है और उसको अपने फेस पे अप्लाई कर देना है। आप चाहें तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो जहाँ पर आपके दाने हैं आप सिर्फ वहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, 100% जो है ना वो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे कल यहाँ पर 2-3 छोटे छोटे दाने निकल आए थे, मैं मेडिसिन यूज़ कर रही हूँ, उसकी वजह से मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा दाने हो रहे थे। तो आप यकीन करें कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसको एक दफ़ा लगाया है तो अभी मेरे फेस पे आप देख सकते होंगे कि दाने बहुत ही कम हो गए हैं, बिल्कुल बैठ गए हैं। इसको मैं 2-3 बार अगर अप्लाई करूँगी तो मेरे फेस पे जितने भी दाग दानों के निशान पड़ गए हैं वो उसी टाइम ख़त्म हो जाएंगे। तो मैंने सोचा कि मैं ये बात अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लूँ। और अगर आपने मुल्तानी मिट्टी का पूरा इसकी वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल पर है। अगर आप फिर भी मुझे बोलेंगे तो मैं फिर एक दफ़ा फिर से ये इस पर वीडियो बना दूंगी, लेकिन अगर आपने देखनी है तो मेरे चैनल पर ये पहले से वीडियो मौजूद भी है, तो आप लाजमी जाइएगा और मेरी वो वाली वीडियो भी वॉच करिएगा। तो इसके साथ ही मैं अब आज की जो वीडियो है, जो आज के छोटे मोटे काम हैं, मस्तियाँ हैं, वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मेरे साथ साथ रहिएगा। आज ये सारी धूप लगवा रही हैं, मज़े मज़े की धूप निकली है और इन लोगों ने धूप लगवाना शुरू कर दी। उम्मीद ज़िद कर रही है कि इनको छत पे लेके जाना, मिट्ठू को। तो उम्मीद की मम्मा बोल रही हैं कि मिट्ठू को छत पे नहीं लेके जाना, इधर ही धूप लगवाओ, लगवाते हैं। देखें कितनी फ्रेश हो गई हैं धूप में बैठ गई। मिट्ठू मिठू छत पे जाना है, मिठू छत पे जाना है, मिठू बोलो ना, दो मिनट, मिठू छत पे जाना है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये कह रही है हमने जाना है। ओ बोले आगे, बोले आगे। हाँ जी, जाते हैं जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सारे इसको देख के माशाल्लाह बोलना, नजर किसी ने भी नहीं लगानी। ये उनमें गुस्सा कर रही है, वीडियो बंद कर दो। तो अभी मैं दवाई पी लेती हूँ। सब लोग मेरे लिए दुआ करें कि इन दवाइयों से मेरा पीछा छूट जाए, मेरी जान छूट जाए, बहुत तंग हूँ मैं। ये टैबलेट है, बहुत ही मज़े की टैबलेट है वैसे तो। चूसने वाली। तो मैं खा लेती हूँ और दुआ करें आप लोग के इन दवाइयों से मेरी जान जल्दी से जल्दी छूट जाए, बहुत तंग पड़ गई हूँ मैं अब। उम्मे मस्तियाँ कर रही है, आज मेरी छुट्टी थी। उम्मे को आज कश्मीर डे की छुट्टी है तो आज उम्मे जो है वो घर में मस्तियों में लगी हुई है। अभी हम कश्मीर डे भी मनाएंगे। अभी हम कश्मीर डे मनाएंगे। सूट भी है। फ्रेंड्स, मुझे एक बात लाजमी बतानी है कि मुझे ये ग्लासेस कैसी लग रही हैं। अभी अभी लगी हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि मेरे पे ये ग्लासेस सूट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं।
ऊपर जाके मैं कह रही हूँ ऊपर जाके भी नहीं मैं नहीं कह मम्मा गुस्सा कर अच्छा 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 वो तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है कि ये ग्लासेस मेरे पे सूट कर रही हैं या नहीं कर रही अगर नहीं कर रही तो मैं नहीं पहनूंगी लेकिन ये नज़र की ग्लासेस है डॉक्टर ने लगा दी और डॉक्टर ने सख्ती से बोला है कि आपने ये लगा के रखनी है ताकि आपकी नज़र जो है वो यहीं पे ठहर जाए और ज़्यादा ख़राब ना हो ज़्यादा आंखें ना मारे तो चले फ्रेंड्स मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ बाय बाय। लें जी उम्मीद जो है वो खेल रही है अभी जा के छत पे खेलेगी छत के लिए चीज़ें अपनी तैयार कर रही है। ये धनिया भी उम्मे ने काटना है ये उम्मे ले के जा रही है अपना सारा साजो सामान हाँ उम्मे ने जा के काम करना है जी अभी ऊपर अभी मैं भी आती हूँ। जान जो है वो हंडिया की तैयारी कर रही है आज हमारे घर क्या बन रहा है वाइट लोबिया वो पड़ा हुआ है आज हमारे घर वाइट लोबिया बन रहा है और हाला जो है वो ये मेरी सीने हैं छत पे धूप लगवा रही है साथ में जो है वो एक और चीज दिखानी है चलो 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 जी एक और चीज दिखानी है ये लोबिया नहीं ये लोबिया आज हमारे घर बन रहा है जी ये उम्मे ने अपनी चीजें सजा के रखी हुई है ये जो गंद है ना इसने इकट्ठा किया हुआ है बुलबुलों वाला। जी फ्रेंड्स उम्मे हबीबा जो है वो तैयार हो आई है मैचिंग जूता और साथ में शर्ट पैंट इसने पैंट मेरी पहनी हुई है फ्रेंड्स ये मेरी छोटी जब मैं छोटी होती थी ना तो ये पैंट पहनती थी ना तो ये पैंट इसने मेरी पहनी हुई है नहीं जी ये तो मजाक है इसकी अपनी पैंट है। और अभी उम्मे किधर जा रही हो कश्मीर डे नहीं मनाना आज मैं तो येलो सूट में येलो सूट में कोई कश्मीर डे क्या होता है मतलब हाँ इसने येलो और ग्रीन सूट पहनना है कश्मीर डे तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी अगर इसे पहनना तो क्या मतलब पहनूंगी वो ही ना पहनना तो फिर मैं शेयर करूंगी अगर नहीं पहनना तो फिर मैं नहीं। फ्रेंड्स उम्मे हबीबा जो है वो धनिया काट रही है अभी देखें ये धनिए का क्या बनता है क्या मतलब मैं हमेशा काटती हूं। हमेशा हम उम्मे से ही धनिया कटवाते हैं उम्मे काटना भी आता है नहीं आता नानो कह रही है हाँ काटना आता है इसे देखते हैं आज उम्मे कैसे धनिया काटती है खराब धनिया भी हमें खिलाएगी ये देखें खराब धनिया को काट रही है ये देखें इसके हाथ में मेरा क्या खराब ये देखें इसके हाथ में अच्छा फ्रेंड्स मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि तुम पूरी की पूरी अपनी दादी अम्मा की तरह लग रही हो सही मैंने तो उन्हें देखा नहीं हुआ लेकिन उसने भी नहीं देखा हुआ तो पिक्चर में तो देखा हुआ ना ये ग्लासेस पहन के जो है ना वो तुम पूरी की पूरी अपनी दादी अम्मा फ्रेंड्स पिक्चर तो देखी हुई है ना पिक्चर में देखा हुआ है लेकिन रियल में नहीं देखा हुआ तो कहती है कि जब भी ग्लासेस पहनती हो तुम अपनी दादी अम्मा लगती हो और आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि मैं बूढ़ी तो नहीं लगती हूँ इस ग्लासेस में तो मिलती हूँ किसी और चीज़ के साथ ठीक है बाय बाय। वैसे फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बनाई तो मेरी वीडियो ना बनाने की वजह ये थी कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी ये यूं समझ लें कि मैं मरते मरते दोबारा से बची हूँ तो मैं बीमार नहीं थी क्या बीमार थी कितनी बीमार थी मरते मरते बची हूँ मैंने अपने शहर का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गई हूँ दास्तान अपनी सुनाई मैं बाहर इतने में चली जाती हूँ ओके मैंने जहलम का कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गई मैंने दम भी डलवाया मुझे बिल्कुल आराम नहीं था आ रहा कोई समझ नहीं थी आ रही कि मेरे साथ हुआ क्या है तो आपको मेरे फेस से भी लग रहा होगा कि देखें कितना प्यारा छोटा सा मासूम सा बन गया है। तो फ्रेंड्स अल्लाह पाक जो है वो हर बीमार को जो है वो शिफा दें और हर बुरी नज़र से सबको बचाएं तो
डॉक्टर्स को भी समझ नहीं थी आ रही कि हुआ क्या है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं ठीक नहीं थी। मेरा जिस्म यूं यूं कांपता था, मेरा सर से लेके पांव तक जो है वो मेरे से खड़े नहीं था। मैं खड़े होती थी तो मैं गिर जाती थी। तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मैं पहले से अब काफ़ी ठीक हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये बात लाजमी शेयर करूँ, और मेरे लिए आप सब भी दुआ करना कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊँ। जैसे मैं पहले थी मैं वैसे ही हो जाऊं, तो आप सब की दुआओं की मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है। और सबसे पहले ये ही दुआ करूंगी कि अल्लाह पाक बुरी नज़रों से बचाएं। फ्रेंड्स हमारा सूप क्या? फ्रेंड्स अभी हम पी रहे हैं सूप मरीजों वाला। अभी हम मरीजों वाला सूप पी रहे हैं। मैं आपको भी दिखाती हूँ कि अभी हम मेरा तो लें जी फ्रेंड्स, ये है हमारा सूप। अभी हम इसको पियेंगे और यमी यमी सा है तो बीमारों वाला, लेकिन है यमी यमी। मैं गेस करूँगी। तो उम्मे बीच में से बोटियाँ बोटियाँ चुन के जो है ना वो खाती जा रही है, और बाकी उधर ही है। तो मैं ऐसे चम्मच भी नहीं बनता है, तो यम्मी है पर मैंने कभी इतना इसको पसंद नहीं किया जी। नहीं, दो दिन पहले तो आप बड़े शौक से पी रही थी, तो वो क्या करूँ, मजबूरी है। डॉक्टर ने बोला विटामिन्स है ही नहीं है तुम में कोई भी, सब्जियाँ खाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियाँ खाओ। एक फ्रेंड्स एक विटामिन भी नहीं है मेरे अंदर, ना विटामिन ए, ना विटामिन बी, ना विटामिन सी, ना विटामिन सी मेरे में नहीं है, विटामिन डी इसमें भी विटामिन नहीं है, ना विटामिन बी 12, कोई विटामिन मेरे में है ही नहीं है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूध पियो, सब्जियाँ खाओ, कच्ची सब्जियाँ खाओ, कच्ची सब्जियाँ भी बच्ची खा ले। क्या उम्मीद करती हो? ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको जल्दी से यम 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 कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। क्यों, मैं आपको पी जाऊँगी। जी जो है वो कुरान पाक पढ़ रही है, आज जुम्मे का दिन है, तो बस अभी मैं भी सूप पी के जो है वो वुजू करूँगी, कुरान पाक पढ़ूँगी, सूरत यासीन पढ़ूँगी, नमाज पढ़ूँगी और अपने अम्मी अबू की कब्र पर जाऊँगी, क्योंकि आज मुझे एक डेढ़ महीना हो गया है मैं कब्र पर नहीं जा सकी। तो बाजी अकेले जाती थी, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह नमाज पढ़ के आज मैं भी कब्रिस्तान जाऊंगी। आप लोग भी मेरे अम्मी अबू के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दें, अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र में आसानियां करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय। तो फ्रेंड्स अभी मैंने नमाज पढ़ ली है, अभी खाने का टाइम हो गया है और खा लेती हूँ। आपको मैंने बताया था कि वाइट लोबिया बना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मे जो है वो खाना खा रही है बैठ के, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी, अभी मैंने नमाज़ पढ़ ली और अभी मैं खाना खा लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उम्मे लगी हुई है खाना खा रही है और ये मेरा खाना पड़ा हुआ है। बहुत ही मज़े का खाना बना है वाइट लोबिया, बहुत ही अच्छा बना है आज। मज़े का तो रेड पसंद है, मज़े का बना ना। तो शुरू करते हैं खाना। आज धूप बहुत ही अच्छी निकली हुई थी, तो सारे छत पे ही बैठे हुए हैं, धूप अच्छे से लगवा रहे हैं। उन्हें जो है वो मज़े से खाना खा रही है और साथ में अपना फ़ोन देख रही है, छुट्टी इंजॉय कर रही है। और जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक कर देना प्लीज़ 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 प्लीज़। मुझे बहुत बहुत ज़रूरत है आपके एक सब्सक्राइबर से, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, सॉरी मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।